एक ऊंची दीवार है, एक गहरा कुआं है, आंखों में है फिर अंधेरा, सामने आंसुओं का धुआं है, चीर कर सीना एक ही आवाज, बदलनी है दुनिया मुझे, एक ही सांस बिल्कुल आगाध, देखना है रब मुझे। मैं सुषमा, माँ कहती है सुषमा और पिताजी सुषमा। हम यहाँ रहते थे, आप लोग इसे कहते हैं SLUM स्लम, पर हम कहते थे हमारा घर। स्कूल भी यही था और पिताजी की दुकान भी। हमारी बस्ती के सब लोगों को 25,000 में घर छोड़ने को बोला था, पर माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे सारे काम यहाँ पर है, मैं यही रहूंगी, मेरे काम भी यही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो परीक्षा के दिन थे, परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन। पिताजी को टेंशन था, वो सोचते थे इतने बड़े शहर में कहीं अपना घर क्यों नहीं। वो बस्ती छोड़ना नहीं चाहते थे। मेरी बीवी तो बिल्कुल ही नहीं मान रही। क्या है, मेरी बीवी इसी एरिया के 2-4 घरों में बर्तन मांजती है, हमारा सब्जी का धंधा भी इधर ही है। वो मुझे पूछ रहे कि इस झोपड़पट्टी में से उठकर उस झोपड़पट्टी में जाके फायदा क्या है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने SRS के बारे में कुछ सुना है? क्या SRS? वो क्या होता है? Idea of working for slum communities and to improve the living conditions and the habitat, the residential facilities came to my mind very early because going or passing through the slum areas in Bombay, I from the very beginning felt that this is a situation which is not meant for human beings. It is degrading and it should be changed and it should be improved. A most important aspect in our perception of what social work needs to be done in the city of Bombay. Services for the slum dwellers are essential. Require health services, require education inputs, because that leads to better terms of income generation and capacity to earn. तब हमें मिली नई उम्मीद, SRS, Slum Rehabilitation Society. अब हम अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सकते थे। HOME होम स्वीट होम माने प्यारा घर। कल कहाँ थे, आज कहाँ, सपना सच होता है ऐसा लगा। कल अंधेरा था, आज उजाला, कल डर था उजड़ जाने का, आज आशा बस जाने की। नए घर की चाबी, नया स्कूल, पढ़ती तो तब भी थी पर अब जिद थी आगे बढ़ने की। माँ भी तो जिद्दी है, तभी तो ये सपना पूरा हुआ। एक ही जज्बा दुख से बड़ा है और वो अपनी आशा है। सूखे नैनों के कोनों